दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में 5 से 19 mm बारिश, अगले 48 घंटे तक पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां, पटना, गया, बेगूसराय सहित बिहार के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से 3 से 19 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान 22 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसके प्रभाव से उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और दक्षिण पूर्व की तरफ से चलने वाले हवाओं के कारण बिहार के सभी जिलों में अगले 48 घंटे तक बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे के दौरान बिहार के उत्तरी हिस्से में पूर्वी पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, कटिहार, जमुई में तेज बारिश होने के आसार है, जबकि दक्षिण बिहार के पटना, गया, बेगूसराय, बक्सर सहित 14 जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। बड़ी खबर, 30 सितंबर तक मैट्रिक परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, 9वीं क्लास के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा कोई लेट पेमेंट। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं क्लास के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बिना लेट पेमेंट के 30 सितंबर तक करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि अब स्टूडेंट को और मौका दिया गया है, इससे अब स्टूडेंट को समस्या नहीं होगी। 30 सितंबर तक समय होगा और लेट पेमेंट भी नहीं देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने में किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि समस्या पर बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर 0612-223-2074, 223-2257 एवं 223-2239 पर संपर्क किया जा सकता है। बड़ी खबर, रेलवे यात्री ध्यान दे, पटना से बिहार यूपी के इन शहरों के लिए शुरू हुआ 3 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। जी हां, यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार से पटना से गया के बीच 2 जोड़ी व पटना से वाराणसी के बीच 1 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलेगी। पूर्व मध्य के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 3 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन पुनर्बहाल किया जा रहा है। इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है उनमें ट्रेन नंबर 0337, 0338, 0335, 0374, 03298 और 03289 शामिल है। बड़ी खबर, बिहार में आज से अब सड़क दुर्घटना पर मिलेंगे 5 लाख मुआवजा, ये दस्तावेज होंगे जरूरी। जी, बिहार में बुधवार यानी 15 सितंबर से वाहन जनित सड़क हादसों में मरने वालों के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी मुआवजा मिलने लगेगा। दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और आवश्यक निर्देश भी दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुआवजा लेने के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट, चिकित्सा प्रभारी द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट, दुर्घटना वाले वाहन का निबंधन, बीमा एवं वाहन स्वामी का नाम व पता दस्तावेज जरूरी होंगे। बड़ी खबर, बिहार में वायरल बुखार का कहर, 24 घंटे में NMCH में 3 बच्चों की मौत, उन बच्चे हैं भर्ती। जी हां, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में 24 घंटे के भीतर वायरल बुखार से पीड़ित 8 बच्चों को भर्ती किया गया। इनमें 3 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई। हालांकि मंगलवार को आउटडोर के केवल 1 मरीज को भर्ती किया गया। अधीक्षक सब विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 24 बेड वाले शिशु रोग विभाग में 59 बच्चे भर्ती है,
जबकि निकू व पीकू के सभी बेड वायरल पीड़ित बच्चों से भरे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में वायरल रोग से संबंधित सभी तरह के मशीन, उपकरण व दवा उपलब्ध है। अधीक्षक ने बताया कि अधिकतर परिजन बच्चों की स्थिति गंभीर होने के बाद अस्पताल लेकर आते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि परिजन बच्चों में बीमारी का लक्षण मिलते ही अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो उसका समय से इलाज शुरू कर जान बचाई जा सकती है। बड़ी खबर, बिहार में अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी होगी पढ़ाई। जी हां, राज्य में अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए चैप्टर तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक 2022 के परीक्षार्थियों को सुविधा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पाठ तैयार किया गया है। मैट्रिक में द्वितीय भारतीय भाषा के तौर पर संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई होती है। अभी तक स्मार्ट क्लास में इन दोनों विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। ज्ञात हो कि अभी स्मार्ट क्लास में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की कक्षाएं चल रही है। सुबह के 5000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2019 में शुरू की गई थी। यह 9वीं और 10वीं के लिए शुरू हुई थी। हर विषय के चैप्टर का एनिमेशन तैयार किया गया था। एनिमेशन के माध्यम से छात्र पढ़ाई करते थे। अब स्मार्ट क्लास में संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार में 138 सहायक अंकेचन पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। जी हां, राज्य में 138 सहायक अंकेचन पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा है। ये अधिकारी अंकेचन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। इनके लिए गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य में स्नातक की योग्यता रखी गई है। वही चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रबंधन में स्नातक कोर को प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। बड़ी खबर, बीपीएससी से नौकरी पाने की चाहत रखने वाले ध्यान दें, एक से अधिक आवेदन पर रद्द होगी उम्मीदवारी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की फॉर्म भरने के दौरान एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थियों का दोनों आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी पहले आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन के अंतिम तिथि तक रद्द कर सकता है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अभी तक दो या दो से अधिक आवेदन करने पर दोनों आवेदनों को मर्ज कर दिया जाता था। अंतिम आवेदन मान्य मानते हुए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस फैसले का अनुपालन आगामी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बर्थडे पर मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाएगी बीजेपी। 7 अक्टूबर का सेवा और समर्पण अभियान। जी हां, बिहार बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पूरे बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत होगी। इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा। इन 20 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को होगी। 17 सितंबर से अगले 20 दिनों तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और रक्तदान जैसे सेवा कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रमों के दौरान वृद्धा आश्रमों, अनाथ आलय और अस्पतालों में मरीजों और जरूरतमंदों के बीच फल और अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया जाएगा। 17 सितंबर को पूरे बिहार में एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक दिन में 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका देने का टारगेट तय किया गया है। बड़ी खबर, सरकारी जमीन बेचकर धोखाधड़ी करना नहीं होगा आसान, नीतीश सरकार ने बनाया जबरदस्त मॉडल। जहां बिहार में अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती होगी कि लोगों ने सरकारी जमीन निजी हाथों में बेच डाली, लेकिन अब बिहार के अंदर ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन बेच नहीं पाएगा, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं हो सकेगी। अगर सरकार खुद किसी जरूरतवश रजिस्ट्री करना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। निबंधन विभाग उस प्लॉट की जानकारी जिलावार अपने कार्यालय को भेज देगा और उस भूखंड की रजिस्ट्री बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगी।
बड़ी खबर, गया में इस साल भी नहीं लगेगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला, पिंड दान के लिए विशेष निर्देश जारी। जी हाँ, बिहार के गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इस बार आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इसे लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस तरह के बड़े आयोजन को अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो पिंड दानी सीमित संख्या में आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने बिहार और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल पितृ तर्पण के लिए गया नहीं आवे, बड़ी तादाद में आने वाले समूह को रोका जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में बाइक का हाई पावर साइलेंसर बदला तो अब होगी जेल, मॉडिफाइड बाइक पकड़ाने पर होगी जब्त। जी, बिहार में मोटरसाइकिल खासकर बुलेट जैसी बाइक में हाई पावर साइलेंसर बदलने पर जेल हो सकती है। सरकार ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा में यह बात भी सामने आई है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मॉडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं। इस कारण से विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसे गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मॉडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार के हर गांव में 3 महिलाएं होगी नशा मुक्ति की ब्रांड अम्बेसडर, मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। जी, राज्य सरकार के शराबबंदी कानून के बाद से लोगों के जीवन शैली में काफी हद तक बदला हुआ है, लेकिन अब भी बहुत से लोग किसी न किसी तरह के नशा ले रहे हैं। इन लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान चलाया जा रहा है, ताकि नशा करने वाले लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया जा सके। अब इस अभियान में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जोड़ने का निर्णय विभाग की ओर से लिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी गांवों से 3 महिलाओं का चयन कर उन्हें नशा मुक्ति का ब्रांड अम्बेसडर बनाया जाएगा। विभाग के मुताबिक महिलाओं को जोड़ने से इस अभियान में और तेजी आएगी। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट का निर्देश, सफाई कर्मी तत्काल हड़ताल खत्म करें। जी, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निकायों में सफाई मजदूरों को हड़ताल समाप्त करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कर्मियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। कोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल के दौरान 200 कर्मियों पर दिए गए कार्रवाई के आदेश को नगर निकाय वापस ले ले। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। और अंत की बड़ी खबर, मीरा कुमार हो सकती है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी दलित के नाम पर खेल सकती है बड़ा दांव। जी, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अब एक नए और बड़े नाम की एंट्री हो गई है। ये बड़ा नाम मीरा कुमार का है। सूत्रों का कहना है कि मीरा कुमार को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। उनके पास संगठन और सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। वो बिहार के सासाराम से कई बार सांसद भी चुनी जा चुकी है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल 18 सितंबर को ही खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव रखने वाले मीरा दलित वर्ग से आती है। इस बार कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि किसी दलित समाज के नेता को बिहार की बागडोर सौंपी जाएगी। आज के लिए आपका सवाल, बताए कि इस बार के होने वाले IPL मैच में कौन सी टीम विजेता रहेगी, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।